मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। 2023 आ रहा है जिसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। जीएसटी फर्जी दस्तावेज मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जीएसटी में पंजीयन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुछ सबूत मिले हैं, जिन्होंने जीएसटी का पंजीयन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त कर लिया था और भौतिक रूप से वह कोई व्यवसाय नहीं कर रहे थे, कागजों पर अपना व्यापार चला रहे थे और फेक बिलिंग भी कर रहे थे, ऐसा प्रथम दृष्टि में पाया गया है। और ऐसे 8 प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से 5 मामले इंदौर के, 2 भोपाल के और 1 ग्वालियर का है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इन आरोपियों ने फर्जी आईडी प्रूफ कैसे बनवाए हैं। जो जीएसटी के पंजीयन में फर्जी दस्तावेज के आधार कुछ सबूत मिले हैं, जिन्होंने जीएसटी का पंजीयन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त कर लिया था और भौतिक रूप से वो कोई व्यवसाय नहीं कर रहे थे, कागजों पर ही अपना व्यापार चला रहे थे और ये फेक बिलिंग भी करते थे, ऐसा प्रथम दृष्टया पाया गया है। ऐसे 8 प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो 5 इंदौर के हैं, 2 भोपाल के हैं और 1 ग्वालियर का है। पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि फर्जी आईडी इनने आईडी प्रूफ कैसे बनवाए हैं, नाम पते फर्जी इनके जो निकले हैं, ये सब उसमें जांच के अंदर लिए गए हैं कि इनने कैसे आइडेंटिफाइड इनको करना है, कहां कहां से करेंगे, ये सब विषय जांच के अंदर आ गए। वही कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। कमलनाथ जी ने विधानसभा के हाथ जोड़ लिए थे, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने विधायकों के हाथ जोड़ लिए थे जो कमलनाथ गुट के थे, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से हाथ जोड़ लिए, और नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के भाषण से हाथ जोड़ लिए, और अब इन सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए हैं। वही अब 2023 आ रहा है जिसमें जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। अरुण यादव जी ने मध्य प्रदेश और कमलनाथ से हाथ जोड़ लिए हैं, यह स्थिति इनके हाथ जोड़ो अभियान की है। कांग्रेस का जो हाथ जोड़ो अभियान है ना, वो तो पहले से ही शुरू कर दिया है उन्होंने। कमलनाथ जी ने विधानसभा से हाथ जोड़ लिए थे, नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों को जोड़ लिए जो उनके यहाँ थे कमलनाथ जी गुट के, और उनने नेता प्रतिपक्ष से जोड़ लिए, और नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री के भाषण से हाथ जोड़ लिए थे। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। अरुण यादव जी अब मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ लिए, अरुण यादव जी ने अब कमलनाथ से हाथ जोड़ लिए, ये स्थिति इनके हाथ जोड़े अभियान की है। मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले भारत में बनाई गई है। नोजल वैक्सीन भी अब आ गई है। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। प्रदेश में ऑक्सीजन बेड आईसीयू की पर्याप्त व्यवस्था है। मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज कोरोना की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। भारत हर क्षेत्र में आगे है, प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास थे, और उस हर प्रयास में आज चीन की स्थिति आप देखेंगे तो कितनी भयावह हो गई है वहाँ पर। लेकिन भारत, मैंने अभी जैसे कोरोना की संख्या आपको 0000 4-5 0 गिनाए, उसका कारण ही सिर्फ ये है कि जो वैक्सीन भारत ने सबसे पहले बनाई। एक दौर था जब चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में ही हमको 28 साल लग गए थे, बुखार की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, लेकिन ये कोरोना था और हमारा नेतृत्व था मोदी जी जैसा, जो 8 महीने के अंदर वैक्सीन को ले आया और अब उसके आगे बढ़ के नोजल के लिए जो लाए हैं, जिससे काफ़ी लाभ पेशेंट को होता है, और वो वैक्सीन भारत में अब आ गई है अपने में। कोरोना से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानियां हम सबको रखनी चाहिए। जैसा वैश्विक वातावरण हो रहा है, उस वैश्विक वातावरण के अनुसार, और मध्य प्रदेश भी सरकार पूरी तरह से इसमें सजग है। मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले चुके हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता पूरे प्रदेश के अंदर है, बेड की, आईसीयू की सारी उपलब्धताएं पर्याप्त मात्रा में है। वो खबरें जो आपके काम की है,
वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।